तरफ ना करते हुए मैं सिर्फ जो हमारी अगली प्रस्तुति है हमारी कैंपस स्कूल की छात्राओं के द्वारा, उससे पहले जो वो चित्रण करेंगी उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। आजादी का पर्व तो आज हम सुबह से ही मना रहे हैं, सुबह से क्या, आज ये 77वां आजादी का पर्व हम मना रहे हैं, लेकिन आजादी के भी कई स्वरूप होते हैं। जो मैं मानती हूँ ये हम अंग्रेजों से आजादी का पर्व तो हम लगातार मनाते जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जो मानसिकता की आजादी है, अपने ही घर में गुलामी किया की जो के लिए जो हम आजादी मांग रहे हैं, क्या हम सच में अपने ही देश में भी आजाद हैं? और आज ये छोटी छोटी बच्चियां यही प्रस्तुति देना चाहती हैं कि समाज किसी भी एक वर्ग, एक जाति, एक संख्या से नहीं बनता है, समाज सबके सहयोग से बनता है। सिर्फ पुरुष से कहें तो पुरुष से भी नहीं, सिर्फ महिला से कहें तो महिला से भी नहीं। जनरली हम ये कहते हैं कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन मैं इस नोशन को और आगे बढ़ाना चाहूंगी। जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं वहां मेरा ये मानना है कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी वुमन देयर इज अ मैन, मैन इन द फॉर्म ऑफ अ फादर, ब्रदर और हस्बैंड। अदरवाइज एक जद्दोजहद तो उसी लड़ाई में लग जाती है कि उनसे जंग लड़के हमें कहीं आगे बढ़ना है, जिनका अगर उनका सहयोग होता है तो कहीं आगे तक हम पहुंच सकते हैं। आज यही छोटी बच्चियां ये बताना चाह रही हैं अपने इस अगली प्रस्तुति से कि जहां अर्ध नारीश्वर की बात की जाती है, नारी आधा अंग है, संपूर्ण अंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, संपूर्णता तो पुरुष और नारी दोनों से होती है, लेकिन इन बच्चियों को ये आग्रह कर रही है समाज से कि आजादी तो मिली पर हमें एक सामाजिक जो हमारी स्टीरियोटाइप मानसिकता है उससे भी आजादी दें। टू कन्वर्ट कैटरपिलर इनटू अ बटरफ्लाई नीड्स एनर्जी, और हमारी जो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं इनकी एक अपनी जो नारीत्व को बताने के लिए ही सारी एनर्जी लग जाती है कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी अस्तित्व है, और अपनी एनर्जी को बताने के लिए जो आगे है वहां तो ये फिर पीछे ही रह जाती हैं। इसके बावजूद इतने दबाव के बाद भी आज नारी हर क्षेत्र में परचम फहरा रही है, और मेरा इन बच्चियों के इस जो प्रस्तुति है इससे ये कहना है कि अगर नारी को हम एक स्टीरियोटाइप मानसिकता से आजाद करें तो इस संसार में हिंदुस्तान को विश्व गुरु होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस पर भी इन बच्चियों के इस आग्रह को आप देखें और अपनी मानसिकता में हम सब बच्चियां नहीं, पुरुष भी, नारी भी, पेरेंट्स भी, उसको आगे आजाद होने में सहयोग दें। धन्यवाद।